हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंप्यूटर एनिमेशन में एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ एनिमेशन सीक्वेंस। तो ये इसका टॉपिक से क्या मतलब है, जब आप कोई एनिमेशन करते हैं तो उसके कुछ सीक्वेंस बनाते हैं, तो उसके डिज़ाइनिंग में कौन कौन से मेन स्टेप हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, चलिए आज हम वही देखेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है। द मेन स्टेप विच आर रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस ऑफ एनिमेशन आर, तो पहला है हमारा लेआउट ऑफ स्टोरी बोर्ड, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, तीसरा हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ की फ्रेम्स, और चौथा है हमारा इन बिटवीन फ्रेम्स जनरेशन। तो ये हमारे चार मेन स्टेप्स हैं जब भी हम कोई सीक्वेंस बना रहे होते हैं एनिमेशन का, तो उसको डिजाइनिंग में तो हमारे ये चार मेन स्टेप यूज होते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं लेआउट ऑफ स्टोरी बोर्ड। लेआउट ऑफ स्टोरी बोर्ड क्या होता है? अ स्टोरी बोर्ड इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द स्टोरी डिपिक्टेड इन द मूवी और एनिमेशन विल बी टोल्ड। इसका क्या मतलब है? लेआउट ऑफ स्टोरी बोर्ड से मतलब होता है हमारा जो हमारी स्टोरी बोर्ड होती है, मतलब जो हमारी स्टोरी की आउटलाइन होती है उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा फ्रेम्स चलते हैं जब एनिमेशन में, तो कई जगह जो भी हमारा कैरेक्टर होता है कहीं बड़ा दिखाता है, कहीं सिर्फ उसका चेहरा दिखा रहा होता है, कहीं वो कम्प्लीट एनिमेशन दिखा रहा होता है, कहीं तीन चार कैरेक्टर होते हैं हमारे, तो वो क्या होता है हमारे ब्लॉक्स में जो चल रहे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्टोरी बोर्ड लाइन होती है वो हमारी। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारी स्टोरी बोर्ड होता है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो पूरी स्टोरी को डिपिक्ट करता है या एनिमेशन की पूरी स्टोरी को बताता है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं पॉइंट। अ स्टोरी बोर्ड इज अ फिजिकल और डिजिटल विजुअल ओवरव्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब स्टोरी बोर्ड क्या होता है, ऐसे जब हम मूवी देखते हैं तो हम लोग को फ्रेम बाय फ्रेम दिखाई जाती है, मतलब एक पूरी वीडियो दिखाई जाती है जिसको हम देखते हैं तो हमको स्टोरी समझ में आती है। पर जब हम स्टोरी बोर्ड की बात करते हैं तो वो क्या होता है, कंप्लीट एक प्रोजेक्ट ओवरव्यू होता है कि इस फ्रेम के बाद ये फ्रेम होगा, ये फ्रेम के बाद ये फ्रेम होगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग बनाते हैं उसमें क्या होता है हमारा, ऐसे ब्लॉग्स बने रहते हैं हमारे स्टोरी के। आप लोगों ने न्यूज़पेपर चैनल पे देखा होगा, उसमें कहीं कहीं आपको स्टोरी दिखाई जाती थी तो वो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन होता था उसमें, कि यहाँ पे कोई कैरेक्टर दिखाया गया और ऐसे करके बना देते थे कि ये क्या बोल रहा है कैरेक्टर, फिर नेक्स्ट उसमें दिखाते ब्लॉक में दिखाते थे दूसरा कैरेक्टर खड़ा है वो उसका रिप्लाई दे रहा है क्या बोल रहा है, फिर दोनों में दूसरे ब्लॉक में दिखाते थे दोनों खड़े एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक ओवरव्यू होता है हमारा, क्या होता है, ओवरव्यू होता है स्टोरी बोर्ड का। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट हमको ओवरव्यू में दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज एन एक्शन आउटलाइन यूज टू डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ मोशन विच आर गोइंग टू बी टेक प्लेस। मतलब यहाँ पे क्या है कि आउटलाइन में क्या दिखाता है कि हमारा एक्शन दिखाते हैं कि हर एक ब्लॉक में कि कौन कौन सा हमारा एक्शन या मोशन होने जा रहे हैं इस स्टोरी बोर्ड में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रफ स्केच और इट कुड बी अ लिस्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। ये क्या हो सकता है हमारा, सेट ऑफ रफ स्केच, मतलब जैसे मैंने यहाँ बनाया ये क्या हो गया कि रफ स्केच हो गया। ठीक है, तो ये क्या, सेट ऑफ मतलब एक से ज्यादा इसमें क्या होना चाहिए, बोल्ड होने चाहिए जिसमें आप इतनी स्टोरी बता रहे हैं, तभी ये कहलाया है स्टेप ऑफ रफ स्केचेस। ठीक है, और ये क्या हो सकते हैं, लिस्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन हो सकता है, मतलब यहाँ पे मैंने एक इंसान बना दिया वो यहाँ खड़ा है, फिर यहाँ पे चेहरा दिखा दिया, मतलब क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है उसके में, बस यही दिखा रहा है, लिस्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसको समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये देखिए, आपको ब्लॉग्स दिख रहे हैं, इसमें दिखा रहे हैं दो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर कुछ बोलता हुआ दिखा रहा है, दूसरा कैरेक्टर इसको उंगली ऐसे करके कुछ बोल रहा है, दूसरे कैरेक्टर में वो अपना रिएक्शन चेंज कर रहा है, फिर नेक्स्ट वाले फ्रेम में दोनों कैरेक्टर्स के एनिमेशन दिखाए गए हैं। तो ये क्या, एक रफ स्केच बना के दिखाया गया, ये एग्जाम्पल क्या शो करता है हमको, स्टोरी बोर्ड लेआउट एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ईच ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेटिंग इन एन एक्शन इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम अपनी स्टोरी, जैसे एक ब्लॉक में अगर हम लोगों ने दो कैरेक्टर दिखाए या दो चीजें कुछ भी दिखाई तो वो दोनों क्या ट्रीट किए जाएंगे एज एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, मतलब ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा और दूसरा वाला भी हमारा ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे ये स्टोरी बोर्ड में, तो ये दोनों ही हमारे क्या ऑब्जेक्ट कहेंगे और इन्हीं में जो भी एक्शन होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है लाइक मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट डेफिनेशन होगी वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, तो उसके लाइक बेसिक शेप्स होते हैं सच एज पॉलीगन और स्पाइन। इसका क्या मतलब, स्पाइन का मतलब क्या, जो कर्व्स होते हैं हमारे, जैसे जो हम लोग कर्व्स मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं, हमारी स्पाइन होती है। और पॉलीगन्स तो आप जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने आपने जैसे आपने ब्लेंडर में मशरूम बनाया था, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आपने मशरूम बनाया था ऐसे करके, तो उसमें क्या, जब आप उसको पॉली लाइन्स में रिप्रेजेंट करते एज के फॉर्म में या एजेस और वर्टेक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, तो उसमें क्या होता था, आपको एजेस ऐसे ऐसे दिखाई देती थी मेरे ख्याल से आपने देखा है सबने। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐसे लाइन्स दिखाई थी। जो ये लाइन्स रिप्रेजेंटेशन होता है यही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन एडिशन अब इसमें देख रहे हैं इसके अलावा क्या हो सकता है, द एसोसिएटेड मूवमेंट्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट आर स्पेसिफाइड अलॉन्ग विद द शेप। मतलब क्या होता है, इसके साथ क्या होता है, हम लोग मूवमेंट करा सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट का स्पेसिफाइड, मतलब हर शेप में करा सकते हैं। अगर इसे आप लोग यहां से उठा के इसको करते थे तो ये ऐसे से दिख जाती थी, आप लोग ने देखा होगा करके ब्लेंडर वाले, जब आप लोग को ब्लेंडर का वो करवाया जाता है एग्जाम्पल, तो उसमें देखा होगा कोई भी एनिमेशन में क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं उसको स्पेसिफिक एक या एसोसिएटेड क्या दे सकते हैं, मूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या डिफाइन करता है, हमारा ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक ये क्या है, फेस रिप्रेजेंटेशन है हमारी, और ये लाइंस क्या दिखा रहे हैं आपको, ये आपकी कैसी लाइंस है, पॉलीगन्स हो सकती है ये लाइंस, ये क्या हो सकती है, स्पाइन लाइंस हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका है, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल देख के और अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्या है। चलिए अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं अपना क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ की फ्रेम्स। तो इसका थर्ड पॉइंट समझने से पहले, तो की फ्रेम समझने से पहले तो हम समझते हैं कि फ्रेम्स क्या होते हैं। इट इज वन फॉर एनी फोटोग्राफिक पिक्चर इन अ मूविंग फॉर्म और स्टेट। मतलब ये क्या है, मैनी फोटोग्राफिक पिक्चर में सिर्फ एक फ्रेम को हम क्या कह सकते हैं, वो भी कब हो, जब वो मूविंग स्टेट में हो या मूविंग फॉर्म में हो, तभी हम उसको एक सिंगल, जैसे मैं जब हमारी मूवीज चलती है उसमें क्या होते हैं, हमारे मल्टीपल्स फ्रेम मूव करते हैं तो हम लोग को मूवी के फॉर्म में दिखाता है, जब हम उसका सिंगल वन फ्रेम उठाएंगे तो ही वो क्या कहलाएगा, फ्रेम कहलाएगा। मतलब सिंगल पिक्चर उसकी लेंग कंसिडर्ड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्रेम्स कहलाएगा, मतलब फ्रेम कहलाएगा, ठीक है। मल्टीपल हो जाएंगे तो वो क्या, फ्रेम्स कहला देंगे, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग ये की फ्रेम क्या होता है, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऑफ की फ्रेम से क्या मतलब है। इट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्रेम पॉइंट्स ऑफ एनी एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग ड्रॉइंग फॉर स्मूथ ट्रांजैक्शन। अब आप लोग ने देखा होगा कि जब हमारे फ्रेम्स चेंज होते हैं, मतलब एक फ्रेम आता है फिर दूसरा फ्रेम आता है फिर तीसरा फ्रेम आता है, तो ये क्या होता है, जो हमारा फ्रेम में जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथली होता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि फ्रेम्स मूव हो रहे हैं, ठीक है। आपको एक एक करके नहीं है पता चलता है, वो आपको लगता है एक मूवी चल रही है। तो जो की फ्रेम्स हमारे होते हैं, जो पहला फ्रेम दिखाता है, जो एंडिंग फ्रेम दिखाता है हमको किसी भी, और बीच में जो ट्रांजैक्शन दिखा रहे होते हैं दो फ्रेम्स के, तो ये क्या कहलाते हैं, जो पहला होता है लास्ट होता है वो हमारा की फ्रेम्स कहलाता है। जो बीच वाला होता है जो एक मोशन प्रोवाइड करा रहा होता है वो क्या होता है, डेल्टा फ्रेम्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो जो ये होता है, ये जो सीक्वेंस होता है हमारा फ्रेम का मूवमेंट होता है, ये बहुत ही स्मूथली किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऑफ की फ्रेम्स बहुत जरूरी होता है। मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारा पहला फ्रेम और लास्ट फ्रेम कैसा होना चाहिए, और बीच वाला जो फ्रेम्स होता है वो कैसे ट्रांजिशन हमारा पहले फ्रेम से लास्ट फ्रेम में कितना स्मूथली ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट कंटेन्स सीक्वेंस ऑफ की फ्रेम Which defines movement for viewer eyes। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब हम वो sequence of keyframe देख रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि movement हो रही है, हम जब जो लोग भी देखते हैं उसको, उनको कैसा फील आता है कि movement हो रही है, एक जगह से कोई दूसरी जगह जा रहा है, बट वो सच में जाता नहीं है, ठीक है, frames move होते हैं उसमें, तो ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए इसका next point देख लेते हैं, क्या है हमारा, टू और थ्री डेल्टा फ्रेम्स कैन बी प्रेजेंट फॉर अ स्पैम ऑफ सेकेंड बिटवीन की फ्रेम्स। अभी मैंने बताया कि जैसे आपका ये फ्रेम होता है और ये फ्रेम होता है, ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग फ्रेम हो गया, ये आपका एंडिंग फ्रेम हो गया। अब जब ट्रांजिशन कराते हैं
एक स्टार्टिंग फ्रेम से एंडिंग फ्रेम में तो डायरेक्टली ट्रांजेक्शन नहीं दिखाते हैं, बीच में कुछ डेल्टा फ्रेम्स भी होते हैं जो कुछ कुछ टाइम स्पैन के लिए आते हैं, फिर उसके बाद मूवमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई फूल खिलता हुआ दिख रहे हैं तो यहाँ पे आप कली दिखाएंगे थोड़ी सी, फिर उसके बाद थोड़ा सा खिलता हुआ दिखाएंगे, फिर थोड़ा और खिलता हुआ दिखाएंगे, फिर एकदम ब्लॉसम हुआ हुआ फ्लावर दिखाएंगे, यही तो होता है। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट कली से ये डायरेक्ट ये एकदम फ्लावर तो नहीं दिखा देता ना, ये मूवमेंट दिखाते हैं ना, तो ये ट्रांजेक्शन क्या स्मूथली होना चाहिए। तो जो बीच वाले फ्रेम में जो छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा खिला हुआ फ्लावर है वो क्या हो जाएगा, स्पैन ऑफ अ सेकेंड के लिए रहेगा और वो क्या दिखाएगा, एकदम से फूल खिल गया, मैं थोड़ा थोड़ा होके फूल खिल गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ की फ्रेम्स। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आ रहे होंगे जो आपका ये नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री दिया है, ये आपका क्या है, ये आपका स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम है। ये नंबर वन वाला जो आपका स्टार्टिंग फ्रेम कंसिडर्ड किया जाएगा, फिर जो दो बीच में आ रहे हैं वो थोड़ा सा मुंह खोल रहा है अभी, तो नीचे जो एरो रेड कलर का दिया हुआ है, ये दो फ्रेम जो दिए हैं ये आपके डेल्टा फ्रेम है, और नंबर वन फ्रेम से और नंबर टू फ्रेम में जो जा रहा है ये आपका स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम है। अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं तो जो इसमें सेकेंड है वो आपका स्टार्टिंग फ्रेम हो गया, और जो आपका थर्ड है वो आपका एंडिंग फ्रेम हो गया, और इसके बीच में जो दो बीच में इसके वो दिखा रहे हैं, ये आपके फ्रेम्स कैसे हो जाएंगे, डेल्टा फ्रेम्स हो जाएंगे, ठीक। होप आपको ये डायग्राम अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम लोग लास्ट पॉइंट की बात कर देते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इन बिटवीन फ्रेम्स जनरेशन। अब इसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम। अब इन बिटवीन फ्रेम्स का ही मतलब हो गया कि हम इंटरमीडिएट फ्रेम्स को देखते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी, मतलब कौन कौन सी प्रोसेस किस तरह जनरेट हो रही है, तो ये देखते हैं हम लोग पहले वाले में, इन बिटवीन फ्रेम जनरेशन में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दीज इंटरमीडिएट फ्रेम्स आर जनरेटेड बिटवीन टू इमेजेस। अब जैसे हम लोग ने बात की कि फर्स्ट फ्रेम और फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम हम लोग लेते हैं, आप जैसे यहाँ पे कोई भी इमेज ले रहे हैं तो पहली इमेज और दूसरी इमेज के बीच की जो भी फ्रेम्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे इंटरमीडिएट फ्रेम्स होंगे, या तो इन बिटवीन फ्रेम्स कहलाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट कह रहा है, दीज अबव जनरेटेड इंटरमीडिएट फ्रेम्स क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मोशन बिटवीन द टू इमेजेस। ये वही बात बोल रहा है कि अगर आप दो इमेज के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट फ्रेम्स को आप रखते हैं कुछ स्पैम ऑफ टाइम के लिए, तो वो एक क्या इल्यूजन क्रिएट करता है, कि इल्यूजन कैसा दिखाता है कि आपके फ्रेम्स मूव हो रहे हैं, मतलब आपका जो भी कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। तो चलिए अब हम एग्जांपल में देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको कंगारू दिखाई दे रहा है और कंगारू क्या जंप कर रहा है, और जो आपको ये रेड कलर के आउटलाइंस में लाइट कलर के वो जो दिखा रहा है फ्रेम्स दिखा रहा है, ये इंटरमीडिएट फ्रेम्स कहलाएंगे आपके, ठीक है, या तो इन बिटवीन फ्रेम्स या तो इंटरमीडिएट फ्रेम्स कहलाएंगे आपके, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से आपको ये एग्जांपल देके और क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे का पार्ट भी, अपार्ट फ्रॉम द अबव फोर सीक्वेंस। अभी जो हम लोगों ने फोर सीक्वेंस की बात की, जो हम लोगों ने बोला कौन कौन सा हम लोगों ने बात की है, पहले जो पार्ट की बात की कौन कौन से, वो हमारे पहला क्या लेआउट ऑफ स्टोरी बोर्ड, ये हमको समझ में आ गया होगा, मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपको ऑब्जेक्ट डेफिनेशन की बात हुई, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ की फ्रेम्स की बात की है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इन बिटवीन फ्रेम जनरेशन, ये भी आपको, ये चारों पॉइंट आपको जब समझ में आ गए होंगे, तो इसके अलावा ये तो आपके मेन पॉइंट्स हो गए, इसके अलावा कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारा किसी भी एनिमेशन में, देख लेते हैं। इसके ये क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम फोर सीक्वेंस अवर फोर सीक्वेंस द अदर टास्क रिक्वायरमेंट आर। जब भी हम कोई डिजाइनिंग करते हैं एनिमेशन सीक्वेंस में, तो इसके इन चार पॉइंट्स के अलावा जो हमारे टास्क होते हैं वो क्या होता है, मोशन वेरिफिकेशन। जब आप लोग ने ब्लेंडर का एग्जाम्पल किया था, जब आपने बॉल का मूवमेंट कराया था, तो आपने क्या होगा, मोशन वेरीफाई किया होगा कि पहले बॉल यहां तक आएगी, फिर यहां तक आएगी, फिर यहां तक आएगी। अगर आप कोई थोड़ा सा भी आपने एनिमेशन किया होगा, अगर आपने नहीं भी किया है एनिमेशन, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप बॉल मूवमेंट देखे होंगे किसी भी एनिमेटेड मूवी में आपने देखा होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा कैसे लोग चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मोशन वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग कि पहले एक स्टेप ये होगा, फिर स्टेप ये होगा, ठीक है। तो यही डिफाइन करता है हमारा मोशन वेरिफिकेशन। एडिटिंग तो नॉर्मल टर्म है कि आप देख रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर कैसे होगा, कैसा उसका फेशियल एक्सप्रेशन होगा, वो सब क्या होता है, एडिटिंग में आता है। चेंज बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, कैरेक्टर वही रहेगा, वो सब क्या होगा, एडिटिंग में आता है आपका। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ साउंड ट्रैक। ये लास्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कोई भी मूवी देखी है,
जैसे आपने फ्रोजन देखी होगी, तो उसमें आपने देखे होगा उसमें कई सारे साउंड ट्रैक्स चलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज वे में करना पड़ता है कि साउंड ट्रैक ऐसा, मतलब आपको ऐसा इल्यूजन क्रिएट करे कि वही जो कैरेक्टर है वही आपको क्या कर रहा है, गा रहा है। और जिन लोगों ने ब्लेंडर में ये सब किया है तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये सिंक्रोनाइजेशन, प्रोडक्शन एंड साउंड ट्रैक्स, एडिटिंग और मोशन वेरिफिकेशन। मेरे ख्याल से सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।